यूएसए के न्यू मैक्सिको में 10 साल का एक बच्चा जूड स्पार्क्स में हाल ही में अपने माँ बाप के साथ घूमने गया था। इस दौरान मिट्टी के बंकर में किसी चीज से उसका पैर टकराया। जब उसने थोड़ी मिट्टी हटाकर देखी तो उसे किसी जानवर का काफी पुराना अवशेष दिखाई दिया। बच्चे ने तुरंत इसके बारे में अपने माँ बाप को बताया। वो भी वहां पहुंचकर उस अवशेष को देखने लगे, लेकिन उन्हें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी। इसीलिए उन्होंने इस खोज के बारे में न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पीटर हाउडे को जानकारी दी। इसके बाद पीटर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और लैंड ओनर से परमिशन लेकर करीब एक हफ्ते तक वहां खुदाई की। इसके बाद एक विशालकाय खोपड़ी को बाहर निकाला गया। खोपड़ी का वजन करीब 1000 किलो का है और 1 मिलियन साल ये पुरानी खोपड़ी है। सामने आया कि खोपड़ी हाथी जैसे दिखने वाली जानवर मोस्टोडॉन की है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस खोपड़ी को देखने के लिए रखा जाएगा। पीटर ने बताया कि इस पर रिसर्च करने के लिए कई साल लग सकते हैं। पीटर ने यह भी बताया कि ये खोज रेयर है, लेकिन इसके अस्तित्व के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम लोग इस खोज से काफी एक्साइटेड हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।